तुमने एक चीज नोटिस करी है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत टॉक्सिक है व्हेन कंपेयर टू यूट्यूब की ऑडियंस। अब ये बात इस वीडियो से समझो, इसके यूट्यूब कमेंट्स देखो कितना सपोर्ट कर रहे हैं लोग, वहीं इसके इंस्टाग्राम कमेंट्स देखो ट्रोल करते नहीं थक रहे। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं होता, बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ होता है इंक्लूडिंग मी। मैं अपने यूट्यूब कमेंट्स देखता हूं, भाई लोग इतना सपोर्ट करते हैं, वहीं इंस्टाग्राम पे मुझे गालियां पड़ रही होती हैं, डीएम में मुझे डेथ थ्रेट्स आते हैं, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जनता तो दोनों सोशल मीडिया यूज करती है, तो एक तरफ जनता इतनी सपोर्टिव और दूसरी तरफ इतनी टॉक्सिक कैसे हो जाती है? अब जहां तक मैंने समझा है, इंस्टाग्राम पे मीम और ट्रोलिंग कल्चर बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पे ऑडियंस सिर्फ एंटरटेन या एजुकेट होने आती है। तो इसी नोशन के चलते यूजर्स का माइंडसेट भी बदल जाता है इन सोशल मीडिया को यूज करते वक्त, और इसी वजह से आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी व्हेन कंपेयर टू यूट्यूब। अब इसके अलावा और भी कोई रीजन है तो कमेंट्स में बताओ, बाकी मेरी बात से एग्री करते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो सब्सक्राइब कर देना।